बहुत बड़ा अभी का हैप्पी वाला मोमेंट, और वो ये है अभी हम बॉर्डर इंडिया से आ गए हैं नेपाल के अंदर, और सामने से दूसरी तरफ से ये कुछ ऐसा दिखता है, वो सामने नहर, ये नदी, और फिर इधर नहर, ये देख रहे ये यहाँ पे बच्चे हैं। मैं इधर से गया था तो मछली मार रहे थे, और इतनी बारी बारी मछली हम पकड़ के रखे हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे। अभी दोस्तों सुबह सुबह मैं निकल गया हूँ अपने राइड के लिए, और आज की राइड होने वाली है हमारी अपने घर से नेपाल बॉर्डर तक, और उस बॉर्डर तक पहुँचेंगे जहाँ से हमें एंट्री नहीं करनी है, हमको एंट्री करनी है दूसरे बॉर्डर से। लेकिन यहाँ जाके कुछ न कुछ जानकारी तो मिलेगी कैसे क्या करना है कैसे नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है इस सब के बारे में कि नेपाल में जाते कैसे हैं, और वो भी जाना है हमें कम से कम एक महीने के लिए, एक महीना तो लग ही जाएगा, तो देखते हैं। और आज बॉर्डर का पूरा हाल चाल लेते हैं, और हम होके जाएंगे सरयू बैराज से, जो नेपाल के ही पहाड़ से आती है नदी सरयू नदी, उसी के बैराज से होके जाना है हमें। तो हम तो निकल गए थे आराम से, और मस्त लोकेशन देख रहे हो, बीच जंगल में, जंगल में हाई है यार, क्या करना है, 1 किलोमीटर दूर जंगल से घर। फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, फटाफट मिलते हैं आप लोगों से आगे। ओहो भाई कछुआ ऊपर आया है, दिखेगा नहीं, गंदा पानी है, और धूप तो यार हो गई काफ़ी, बिल्कुल मज़े की धूप हो गई है। निकले थे तो अभी हल्की हल्की बारिश बूंदा बूंदी, लेकिन अभी यहाँ बैराज तक आते आते तो पूरी धूप हो गई बहुत तेज, और मौसम देख रहे हो बादल भी बने हैं, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल अब बारिश भी हो जाए। तो बारिश धूप ये तो होना ही है, 2 दिन से तो बहुत बेहतरीन बारिश हुई है कि कहीं आना जाना भी मुश्किल हो गया था। और सामने से दूसरी तरफ से ये कुछ ऐसा दिखता है, वो सामने नहर, ये नदी, और फिर इधर नहर, नहर तो इधर निकल गई है, नदी सीधा चली गई है, पानी तो अभी कोई खास ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत है। ये कौन सा मार्केट है यार, पता भी नहीं लग रहा, और अभी है कितना आगे ये भी नहीं पता। फिलहाल यार आगे तो पूरा जाम लगा हुआ है। ओ भाई साहब ये क्या हुआ, ये तो पूरी ट्रक खड़ी है यार, आगे निकलने का रास्ता है या नहीं है। ओ इधर रास्ता भी बन रहा है यार, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओ मेरे बत्तख मियां हट जाओ यार, पूरा रोड पे देख रहे हो पानी भरा हुआ है एकदम से, और ये रोड जाता है सीधा बॉर्डर को। चाचा बॉर्डर जाना है, बॉर्डर को नहीं इधर जाना है कि इधर से सीधा है यार, है तो ये बॉर्डर पे ही सारा कुछ आता है, लेकिन देखते हैं क्योंकि हमें आज पाकिस्तान बोल रहे सॉरी नेपाल में घूम के आना है। बॉर्डर पे आ गए, ये देख रहे फौज, ये कहाँ की फौज है यार। ओ यार तो फाइनली हम तो आ गए बॉर्डर पे, और ये यहाँ का बॉर्डर, ओहो जय हिंद सर, ओके ओके सर, ओके सर, कोई नहीं। तो यार दोस्तों बहुत बड़ा अभी का हैप्पी वाला मोमेंट, और वो ये है अभी हम बॉर्डर इंडिया से आ गए हैं नेपाल के अंदर। मैं तो सोच रहा था केवल बॉर्डर से रिटर्न हो जाऊंगा,
लेकिन मैंने पूछा तो बोल रहे हैं जाओ घूम लो, कोई टेंशन नहीं। तो थोड़ा देर मैं आगे तक जाऊंगा, घूमूंगा और इसके बाद यहीं से रिटर्न हो जाऊंगा। और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बस छोटा सा क्लिप बना रहा हूँ। इधर इंडिया बॉर्डर है, इंडिया और नेपाल का, आगे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। फिलहाल अभी तो हम नेपाल में हैं, नेपाल में इंटर कर गए हैं। और घूमना तो हमें काफ़ी दिन है, कम से कम महीने दिन, लेकिन हमें आगे जाना है सनौली बॉर्डर से होके, क्योंकि इधर ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक महीने रहेंगे नेपाल में फिलहाल, उसके लिए अभी कम से कम हफ्ते दिन लग जाएंगे। और यहाँ वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। यहाँ खड़ी अपनी फरारी। तो यार दोस्तों, आज मैं अभी राइडिंग कर रहा हूँ, कहाँ, नेपाल में, नेपाल के अंदर। और यार एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि दूसरे देश में जाकर राइडिंग कर रहे हैं। अभी बॉर्डर पे तो हमें मना कर दिए थे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए अंदर आ गया हूँ। और यार राइडिंग कर रहा हूँ नेपाल के अंदर, अजीब से एक्साइटेड हो रही है यार। और यहाँ पे घूमने वाली भी जगह है, लेकिन है यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे फिलहाल। इधर ही से हम थोड़ा बहुत आगे तक जाके यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमें टाइम से पहुँचना भी है, काफ़ी लेट हो जाएगा यार। क्या हाल है हीरो, यहीं पढ़ते हो इसी स्कूल में? क्या नाम? श्री गौरी शंकर माध्यमिक विद्यालय डल्लापुर। चलो छोटू पढ़ो। फिलहाल यार इधर तो कोई अब गांव भी नहीं दिख रहा है आगे, और घूमने वाली इधर कोई है जगह, मैं पूछा हूँ पीछे तो बता रहे थे कि यहाँ से कम 12-13 किलोमीटर आगे है, यानी अप डाउन हमको कम से कम 25-26 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो उतना आगे तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बॉर्डर पे बोल के आया हूँ कि बस 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ। क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? तो बच्चे बोल नहीं रहे, कहाँ जा रहे हो? घर? अच्छा छुट्टी हो गई। ये तो यार बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं। यार यहाँ भी सब कुछ सेम वैसे ही है जैसे इंडिया में, यहाँ भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। और चेंज क्या होगा, जस्ट बॉर्डर के किनारे, जब अंदर ज़्यादा निकले तब उधर कुछ पता भी चलेगा। वैसे तो मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आया था केवल मार्केटिंग करने की वजह से, वहाँ पे नोट किया भाई किस वजह से जा रहे हो। फिलहाल हमें तो कोई मार्केटिंग करना नहीं था, हमें तो बस आगे थोड़ा बहुत घूमना था कि भाई इंडिया से नेपाल में, और नेपाल में तो रहने वाले हम काफ़ी दिन, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा ट्रेलर है। क्या हाल है भाई? भाई साइकिल की प्राइस पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या हाल है। तो यार ये एक मंदिर आगे देख रहे होगे, ये नेपाल का, ये थोड़ा एक डिफरेंट दिखा है। और है तो बहुत कुछ अलग, लेकिन सब आगे मिलेगा। उधर गुलेरिया साइड घूमने वाला है, मैंने पता भी किया, इधर घूमने वाला भी है, लेकिन यहाँ से दूर है, और उधर जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे काफ़ी, इसलिए हम ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, इधर ही से हम वापस हो जाएंगे। सोच के तो आए थे कि केवल बॉर्डर तक पहुँच जाएँ, लेकिन अंदर भी आ गए। हम कहें कि जब यहाँ तक आ गए तो अंदर भी घूम ही लेते हैं। फिलहाल मिलते हैं अब यहाँ से वापस होके। यार अब यहाँ आ ही गए तो इसमें सीट भी डलवा लेते हैं, क्योंकि हमारे बैग का तो बुरा हाल हो गया इसमें बैठ बैठ के। सीट यार मिला नहीं बढ़िया जैसा हम सोच रहे थे, लेकिन फिलहाल इसको लगवा लेते हैं, कुछ तो आराम रहेगा जाने में। और यहाँ पे सामने बॉर्डर है, और उधर मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उधर अलाउड नहीं है भाई,
बॉर्डर से 200-300 मीटर तक। ये जो मार्केट दिख रहा, मार्केट के आगे बॉर्डर है। अभी तो आ गए इंडिया में, अभी थोड़ी देर पहले थे नेपाल में, उधर अलाउड नहीं था इसलिए मार्केट से बाहर आ गए। और यहाँ से हम निकल जाएंगे वापस, और इससे पहले सीट लगवा ले रहे हैं। क्या हुआ भाई? ये यार मज़ा नहीं आ रहा फिर इस, बैठोगे थोड़ा हल्का जब अंदर जाए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन पूरा भद्दा लग रहा है यार देखने में। आपके सामने है भाई, पूरा यार सही नहीं लग रहा है। तो यार यहाँ पे तो सीट है नहीं सही, और ये बहुत भद्दा लग रहा था। भैया चल रहे हैं फिर आगे लगवा लेंगे और निकलते हैं यार, क्योंकि लेट ना हो जाए। मौसम तो सही है, बारिश का कोई चांस नहीं है, लेकिन हम निकलते हैं यहाँ से। मेरी साइकिल निकलती है, हॉर्न बजा दो तो बिल्कुल एम्बुलेंस बन जाती है उतनी देर के लिए। ओहो क्या हाल है हीरो, क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ नहीं, मछली मार ली है? हाँ। कितना मारे हो? अच्छा बेचते हो? क्यों बेच लो यार, बेचते नहीं हो? बड़ी बड़ी मछलियाँ मारो, देखें कैसी मछली मारे हो। अच्छा यार रुक जाओ, तुम्हारी मछली की हम वीडियो बनाते हैं। ये देख रहे ये यहाँ पे बच्चे, मैं इधर से गया था तो मछली मार रहे थे, और इतनी बारी बारी मछली हम पकड़ के रखे हैं। फिलहाल ये भी काम कोई बुरा नहीं है, सब्जी वैसे भी काफ़ी महंगी है। और यार सबसे खुशी की बात, हम घूम के आ रहे हैं नेपाल से, यानी विदेश से, इंडिया टू नेपाल। ये राइड हमारी हो जाएगी अप डाउन कम से कम 50 प्लस किलोमीटर, और टाइम से हमें पहुंचना भी है। सुबह तो मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन जो 11 बजे के बाद जो गर्मी हुई है ना, ओहो हो बिल्कुल मज़ा आ गया यार। और अभी तो इंडिया में ही है, अब तो इंडिया नेपाल करना पड़ जा रहा है, तो अभी तो इंडिया में है। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मटेही कला, और वहाँ से 17-18 किलोमीटर मीहपुरवा। ओहो सोच रहे थे यार पता नहीं घूम पाएंगे कि नहीं घूम पाएंगे कि नहीं, और आखिरी में घूम आए। फिलहाल मिलते हैं आगे। आज बहुत दिनों के बाद इतनी साइकिलिंग किया हूँ तो थक तो गया यार। तो यार दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और बहुत जल्दी अपनी शुरू होने वाली नेपाल राइड, और उसी के चक्कर में गया था सब जानकारी लेने, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है, पूरा जानकारी मिल गया हमें। और बहुत जल्दी तैयारी करते हैं और मिलते हैं नेपाल राइड पे। नेपाल काठमांडू लुम्बिनी पूरा आपको दिखाएंगे। तो अब तो लेट हो गया है, तो वीडियो करते हैं ख़त्म, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।